गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। सबसे पहले वे भाजपा कार्यालय पहुंचे और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर में जहरीली शराब से हुई 6 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए प्रदेश में जल्द ही गैंगस्टर एक्ट लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे शराब माफिया, अवैध वसूली करने वाले और सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस नए एक्ट को विधानसभा में पास करके ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वहीं इस एक्ट के लागू होने के बाद स्पेशल कोड भी बनाई जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए उन पर जमकर हमला बोला। साथ ही कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कमलनाथ केवल ट्विटर पर बैठकर ही राजनीति कर सकते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि मैं अब ये समझ नहीं पाया कि अब तक ये पुरस्कार राजीव गांधी के नाम से क्यों था, जिसने आज तक हॉकी भी नहीं पकड़ी। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देश में महंगाई, पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि जैसे कई अहम सवालों पर बोलने से बचते नजर आए। पीछे की आवाज बंद कर दो। पहले पूछेंगे या मैं पहले बोलूंगा? पहले आप नवाबों का किस्सा सुना है ना, लखनऊ का। मध्य प्रदेश की सरकार ये संगठित अपराध जो होते हैं, उन संगठित अपराधों को काबू में करने गैंगस्टर एक्ट लेके मध्य प्रदेश में आ रही है। इसका नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक होगा। इस गैंगस्टर की व्यापक परिभाषा भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने की प्रार्थना करूंगा। इसमें संगठित रूप से जो शराब का कारोबार करते हैं, वो जुआ खिलाते हैं, वो भू माफिया, जो हमारे खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं वो सब इस गैंगस्टर कानून के अंतर्गत आएगा। इसमें सजा के लिए भी प्रथम दृष्टया 2 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी, 25,000 का जुर्माना होगा। अगर वह लोक सेवक पर भी हमला करता है, जैसा आपने देखा होगा किसी अधिकारी पकड़ने गए और उन्होंने अधिकारी पर पथराव कर दिया, हमला किया, तो ये सजा 2 की जगह 5 से 5 से 10 हो जाएगी और जुर्माना 30,000 हो जाएगा। जो गैंगस्टर के सहयोगी हैं उनको भी इसमें एक्ट के अंदर लेके आए हैं और उनको भी 3 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना उन सहयोगियों पर भी रखा गया है। गैंगस्टर अपने काले कारनामों के द्वारा जो बेहिसाब संपत्ति बना लेते हैं, वो संपत्ति भी राजसात होगी, खुर्दबुर्द होगी, जब्त होगी। इसी तरह से इनके लिए अलग से विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। इस विशेष न्यायालय गठित होगा और उसमें इसकी ट्रायल चलेगी। गैंगस्टर की अनुपस्थिति में भी ये ट्रायल चलती रहेगी, ये बाधित नहीं होगी। इसके साक्ष्य बयान सारे निरंतर जारी रखेंगे, वो वर्चुअल भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं। इसमें जो इसके साक्षी हैं, इनके खिलाफ जो गवाही देते हैं, उनकी गवाही बंद कमरे में न्यायाधीश के सामने होगी, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से तो वो जा ही नहीं पाते, एयरलिफ्ट की बात तो जब आती जब वहाँ पहुँच जाते। कल कमलनाथ जी जा रहे हैं दौरा करने ग्वालियर। आप विश्वास रखो कहीं भी पानी में नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात गलत निकला कल तो मुझे टोकना, मैं कल भी यही हूँ। मैं तो आज कल भी हूँ, फिर 14-15 को हूँ और 14-15 में आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। 14 की रात हम सब भोजन करेंगे प्रेस क्लब के कार्यक्रम।
निगम मंडलों फिर गप्पे करेंगे। निगम मंडलों की सूची बनी है, बहुत छोटा आदमी हूँ, सवाल गलत जगह हो रहा है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा आदमी। कैबिनेट में आएगा ये, अभी अभी गृह मंत्री के द्वारा विधि विभाग को गया है, विधि भी मेरे पे ही है वैसे, लेकिन ये विभागीय प्रक्रिया है। पहले भी आपके वर्तमान में मंत्री जी, वर्तमान में इस तरह के माफिया पे कंट्रोल करने के लिए जो नियम बने हुए हैं उनमें क्या वो नाकाफी, तो उनमें क्या कमी आती है? देखो, शराब का एक्ट जो बना हुआ है, वो शराब का एक्ट ऐसा था कि 34 में आपको अभी बंद किया और अभी आप अभी छूट गए। तो दहशत जो एक अपराधी के मन में आनी चाहिए कानून की, वो कानून के अंदर वो दहशत नहीं रहती है। एक दूसरा, शराब के डिग्री मापने के यंत्र तो इनके पास रहते नहीं, और जो अमानक शराब आ जाती है उससे परिवार का परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो इतना गंभीर अपराध कर दे उसकी सजाए मौत भी ना हो तो क्या मतलब है? तो एक अपराधी में भय, दूसरी कड़ी सजा और जुर्माना। इसलिए जो शराब वाला कानून था जिसमें 49A में हमने संशोधन किया था, उसमें फांसी की सजा इसलिए की, उसकी कंडिका 1, 2, 3, 4 आप पढ़ेंगे, चारों के अंदर हमने संशोधन किया है, और उन चारों के संशोधन के पीछे जुर्माना भी हम 25 लाख तक ले गए, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख, और आजम कारावास, फांसी की सजा अलग अलग कंडिका में अलग अलग में डाली गई। वो परिस्थिति ऐसी थी मेरी, और मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी वही करते हो, मेरे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं दोनों साइड ये भी वही करते हैं। नहीं, शौक की बात नहीं थी, वो परिस्थिति ऐसी बन गई थी। जब वो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटियां 3 दिन से भूखी फंसी हुई हैं और पीने को पानी भी नहीं पहुंचा, और सच में अगर आप होते तो वो जिसको वेग कहते हैं, वेग समझते हैं ना आप, धार की तीव्रता, बहाव की तीव्रता को वेग, वो वेग इतना भयानक था नदी का, मैं नदी के बगल का हूँ, मैं जानता हूँ कितनी तीव्रता उसकी कब कैसी होती है, मैं तैर भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो उस वेग में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उनको बचाने की दृष्टि से चला गया। जब चला गया तो वो नाव की सापट में तार और बाकी चीज़ें आ गई, तो हेलीकॉप्टर आ गया और पहले उनको निकाला, फिर मैं निकला। तो मेरी जगह आप भी होते तो शायद यही करते, पर हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर ऐसे मौके पे भी हम नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? हम कार्यकर्ता से कहते हैं ना, तेरे लिए जान लगा दूंगा, यही तो जान लगाने का अवसर। आपकी जगह पे यदि कोई, आपकी जगह पे कोई कांग्रेस के बड़े मिल्खा सिंह के नाम, नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से जब आदमी बर्नौल भिजवाएंगे अपन उनके पास। जेल विभाग में ऐसे कई सिपाही हैं जो 10-10-20 साल से एक ही जेल में जमा हुए हैं, जिनका किसी जेल में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब और अभी जो सूची जारी हुई है उसमें भी वही जो ट्रांसफर हो रहा है जो अप्रोच वाले हैं, और 10-10-15-15 साल से उन्हीं जेलों पे, या तो सेंट्रल जेल इंदौर या जिला जेल चले जाते हैं, आसपास के जेलों में घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। 20 साल से अगर कोई हो तो आप मुझे देना, मैं करूँ। अभी आज तब स्टे लग गया इस बाढ़ के कारण से, तो आज तो तबादले की चर्चा अपन 14 को मिल रहे हैं ना, 15 को स्टे हटेगा। बड़वानी में कैदी की मौत हुई है सीढ़ियों से गिरने पर, उसमें मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर जेलों की सुरक्षा और जेलों के सवालिय निशान खड़े किए हैं। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था है और उसकी हर बात को हम ध्यान देंगे, उसके हर निर्देश का पालन करने की कोशिश करेंगे। प्रयास कर रही है कि एक तरफ तो बाढ़ की वजह से कई जिलों में लोग परेशान हैं, साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी लोग परेशान हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ अन्य महोत्सव के जरिए बीजेपी जश्न मना रही है। बाढ़ में कमलनाथ जी ने बोला, देखो वो बोल सकते हैं क्योंकि कहीं आपने उनको बाढ़ में तो देखा नहीं होगा, कमलनाथ जी को कहीं कोरोना में आपने नहीं देखा होगा, किसी अस्पताल पे नहीं देखा होगा, कहीं गेहूं बांटते नहीं देखा होगा,
जो सिर्फ बंद कमरे में बैठ के टीवी और ट्विटर से राजनीति कर रहे हों वो नहीं बोलेंगे तो क्या हम बोलेंगे, जो आपको लटकते दिख रहे हैं इधर से उधर, भटकते दिख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री इधर से उधर, वो बोल सकते हैं ना। अच्छा होता कि कभी पानी में खड़े होके बोल देते, पर उनकी उम्र ऐसी नहीं है, मैं सलाह दूंगा न करें। सच्ची श्रद्धांजलि मेजर ध्यानचंद जी को देना, खासकर हमारे बुंदेलखंड के प्रधानमंत्री का तहे दिल से आभार, अंतर्मन से शुक्रिया। और वो राजीव गांधी का नाम से क्यों था मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, जिसने कभी हॉकी नहीं पकड़ी। वो पुरस्कार बने एक ही परिवार के लिए, स्तुति में ऐसा भी क्या डूबना कि ध्यानचंद जी जैसे के नाम से पुरस्कार नहीं था, वो राजीव गांधी के नाम से था जिसने जीवन में हॉकी नहीं पकड़ी। कांग्रेस का कहना है कि इसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम में भी बदल के किसी